आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से भोलेनाथ के एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसका नाम विश्व विख्यात है। जी हाँ, इस मंदिर को आप अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बता दें आपको, अचलेश्वर नाम से भारत में वैसे तो महादेव के कई मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर बाकी सभी मंदिरों से भिन्न है। ये मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और बिहड़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बता दें आपको यहाँ पर कि भगवान अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर भी दुर्गम बिहड़ों के बीच स्थित है। इस मंदिर का जो शिवलिंग है वो सबसे ज्यादा यहाँ का आकर्षण का केंद्र है। जी हाँ, बता दें आपको कि इस मंदिर का शिवलिंग जो कि दिन में 3 बार रंग बदलता है, इस मंदिर का शिवलिंग जो है वो दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह में शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। इन रंगों के बदलाव के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान सका। अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर काफी ज्यादा प्राचीन है, क्योंकि मंदिर का ये इलाका जो है वो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जिस वजह से यहाँ बहुत कम श्रद्धालु आते हैं। साथ ही यहाँ तक पहुँचने का रास्ता जो है वो बहुत ही पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जैसे जैसे भगवान के बारे में लोग जानने लगे, यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है वो जुटने लगी। इस शिवलिंग की एक और अनोखी बात है कि शिवलिंग के छोर का आज तक पता नहीं चला। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक बार भक्तों ने शिवलिंग की गहराई को जानने के लिए इसकी खुदाई पर काफी गहराई तक खोदा, लेकिन उसके बाद भी इसका छोर मिला। अंत में भक्तों ने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए खुदाई करना बंद कर दिया। भक्तों का मानना है कि भगवान अचलेश्वर महादेव भक्तों की सभी मनोकामना को पूरा करते हैं और आज पूरे विश्व में इस मंदिर के नाम से, साथ ही भोलेनाथ की अपरंपार महिमा को लेकर ये मंदिर जो है वो पूरे विश्व भर में जाना जाता है। अगर आपने अचलेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।